अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्लाज्मा फिजिक्स के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है साउंड वेव्स। तो ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स की बुक है FF10, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको वहाँ से भी दिखा सकता हूँ, उसका जो पेज है वो है पेज नंबर 89। तो ये देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 89 पे काफ़ी डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए हैं, तो आइए हम इसको ज़रा डिटेल स्टेप्स में करने की कोशिश करते हैं। सो आइए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। डैट इज़ फ्लूड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह हम लेक्चर नंबर का काफ़ी हम लेक्चर्स हमने इसके ऊपर गुजारे हैं, फ्लूड इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। फ्लूड इक्वेशन ऑफ मोशन से तकरीबन हमारा हर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है कि ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आती है। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ तो आप हमारे पीछे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, ओके। एंड देन लिनलाइज कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को। लिनलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें जो चीज़ें नहीं रिक्वायर होती हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि साउंड वेव्स में जो चार्ज है वो हमारे पास जीरो होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो होल इक्वेशन है ये इक्वल टू ज़ीरो होगी, ठीक है जी। एंड देन हमारे पास जैसा कि आपको पता है साउंड ट्रैवल करने के लिए डेंसिटी मस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो मीडियम के लिए मीडियम अगर हमारे पास होगा तो डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने MN की जगह क्या कर लिया, रो को ले आए हैं, ओके। एंड डैट बाकी हमारे पास इक्वेशन सेम आ गई है, और माइनस डेल पी हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, डैट इज़ लिनलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। तो बाकी यही लिखा हुआ है, एज ए मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर साउंड वेव्स टू ट्रैवल सो वी यूज़ डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा है कि वो क्या होती है, डेल एन बाय डेल टी डेल इनटू एन वी। तो हम यहाँ पे एन की जगह जैसा कि आप जानते हैं कि हम रो कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे डेल रो बाय डेल टी आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास रो आ गया, ठीक है जी। यह हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लिया। अच्छा, अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको थोड़ा ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रेशर की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये ज़ीरो होगी, ठीक है। तो पीछे बात किया रो डेल वी बाई डेल टी इजिकल टू, और ये आपने जैसा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो अभी आप वो भी हमारे लेक्चर सीरीज़ में से जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट में ये प्रेशर की वैल्यू निकाली हुई है, डैट इज़ पी इजिकल टू आर के टी डेल एन बाई एन, ठीक है जी। तो जो के टी है वो हमारे पास पी के इक्वल होता है, ये भी आप उसमें आपको ईजिली मिल जाएगा, सही है। तो माइनस आर के टी की जगह पी आ गया, ओके, एन की जगह रो एंड नीचे भी रो आ गया, ठीक है। सो आपने जैसा कि प्लाज्मा ऑसिलेशन में देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो बगैर परटर्बेशन का पार्ट होता है वी नॉट, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास साउंड वेव्स ट्रैवल तभी करेंगे जब हमारे पास डेंसिटी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रो नॉट को ज़ीरो नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, रो डेल वी बाय डेल टी माइनस आर पी नॉट, जो जिसमें चेंज नहीं आ रहा इस प्रेशर में, ठीक है, रो नॉट एंड ये चेंज हो रहा है, सो दैट इज़ रो वन, ओके। एंड ये भी रो नॉट हो जाएगा, ये आगे जाके आप देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। जैसा कि आपने ये भी पढ़ा हुआ है डेल बाई डेल टी माइनस आई ओमेगा एंड डेल बाई डेल के डैट इज़ इसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास आई के इक्वल होती है, ठीक है जी। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट करनी है, ये देखने रो नॉट आ गया, डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा वी वन, ठीक है। एंड ये वी वन कैसे आया, ये भी आपने प्लाज्मा ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ है कि वी की जगह आप लगाए ना वी नॉट प्लस वी वन, ठीक है जी। तो वी नॉट परटर्बेशन के बगैर वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा वी वन, ठीक है, माइनस आर पी नॉट बाई रो नॉट, डेल की जगह आई के लगा लिया एंड रो वन हमारे पास आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास माइनस आई ओमेगा रो नॉट वी वन माइनस, इसको हमने ज़रा सिंपलीफाई करके लिख लिया, डैट इज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सो आगे चलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्लाज्मा ऑसिलेशन में यह भी पढ़ा था कि एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन वन होता है, तो इसी तरह एन की जगह हमने रो लगा लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें
जो कि हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये रो की वैल्यू पुट करनी है सिंपली आपने, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है, ठीक है। तो इधर ये डेल बाई डेल टी उसी तरह माइनस आई ओमेगा आ गया, इधर भी डेल की जगह आई के आ गया, ओके, और बाकी चीज़ें वही रही। तो इसको दूसरी तरफ ले जाए, माइनस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ से हमने रो 1 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नेम कह लिया। अब इक्वेशन नंबर 8 को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, मीन टू से कि इस रो 1 की वैल्यू पुट करनी है हमने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई, हमने इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया, तो रो 1 की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है सिंपली, ठीक है। तो सिंपल स्टेप्स हैं, इधर ओमेगा हमने निकालना है, तो ओमेगा इधर ही रहने दें, बाकी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो इनको आप सिंपली कट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें, तो ये के स्क्वेयर है, के स्क्वेयर स्क्वेयर से कट जाएगा, बाकी उसी तरह अंडर रूट में ही आएगा, तो ओमेगा बाई के आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो फाइनल स्टेप है, प्रेशर इज इक्वल टू के टी के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो डैट इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन न्यूट्रल गैस। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, ओमेगा बाई के इज, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि बुक पे भी हमने यही चीज़ें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स थे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो यही आई है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। तो देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी सी एस, जिसको सी एस उन्होंने कह लिया, फॉर साउंड वेव्स इन न्यूट्रल गैस। तो होप सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।